जुडिशरी के बारे में, यूपी जुडिशरी के बारे में। तो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैसेज आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर यूपी जुडिशरी के बारे के सिलेबस बताओ, कैसा क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ें, तो सारी की सारी चीज़ हम आज इसकी वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम यूपी जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, यूपी पीसीएसजे के बारे में। एंड अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो पहले हम बात करते हैं यूपी पीसीएसजे 2024 एग्जामिनेशन के बारे में। तो होता इसका यूपी पीसीएसजे की मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो उसकी होती है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये होती है। एंड जुडिशरी मतलब एक जज का जो एग्ज़ाम होता है, इसी विशेष पर होता है। तो इसका आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, यूपी जुडिशरी सिलेबस, जो प्रीलिम्स का भी सिलेबस कम्प्लीट बताऊँगा मैं आपको, मेंस का भी कम्प्लीट सिलेबस बताऊँगा, एंड इंटरव्यू मतलब कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स के जो आपका जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो पहला ही पेपर जो आता है आपका, वो आता है आपका जनरल नॉलेज, मतलब जीके का क्वेश्चन आता है। क्योंकि जो आपका यूपी में जो जुडिशरी का जो पेपर होता है, वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के जो जीके हैं, वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन मतलब 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन ही मार्क्स के आते हैं आपके क्वेश्चन जीके में से। तो इसलिए आपका जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड बात करते हैं कौन कौन से जो आपके जो टॉपिक्स हैं, मतलब सिलेबस है, सब्जेक्ट हैं जो आपके जीके में से पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसमें पेपर वन में हम जनरल नॉलेज के में बात करें तो टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का आता है, एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 का जो आपका मैक्स मार्क्स का पेपर आता है। तो इसमें जो आपके पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ ना कि मैं मेंस के बारे में, तो इसमें जो आपके जीके के जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं, आपके करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, एंड इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं आपके, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स, ये आपका जीके का सिलेबस है। एंड अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में आपको ये आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपके जीके में जो मैं प्रीलिम्स का जो पेपर होता है फर्स्ट, वो ये सब्जेक्ट से आते हैं आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन। तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि लॉ कौन, मतलब जो यूपी जुडिशरी का एग्जाम कौन सा, जिसने लॉ की मतलब एलएलबी डिग्री कंप्लीट कर ली हो, वो आपका जुडिशरी का एग्जाम दे सकता है। एंड ये तो रहे आपका पेपर फर्स्ट। एंड अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में, इसका मतलब प्रीलिम्स का लॉ के बारे में। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें भी आपका पेपर जो सेकंड है ये लॉ का, इसमें टाइम ड्यूरेशन 200 का है, एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 मतलब 300 मार्क्स का जो आपका ये लॉ का पेपर आता है प्रीलिम्स का। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं। बेसिकली जो लॉ का जो पेपर आता है, जो आपने एलएलबी में पढ़ा हो, ज्यूरिसप्रूडेंस, ये आपको मतलब ज़्यादातर जो आपके जो एलएलबी में जो पढ़ा हो, चाहे आपने बीएलएलबी करी हो या एलएलबी करी हो, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला जो सब्जेक्ट है आपका ज्यूरिसप्रूडेंस है, विधि शास्त्र, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दूसरा, एंड सेकंड आपका करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, जो इंटरनेशनल से जो आपके जो करंट अफेयर बनते हैं वो हैं, एंड जो फोर्थ पे है आपका, थर्ड पे है आपका ना फोर्थ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता से क्वेश्चन आते हैं, एंड सिविल प्रोसीडर कोर्ट से आपके आते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडर कोर्ट से आते हैं, एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे जो ये सिलेबस है, ये आपका एलएलबी का ही सिलेबस है, तो ये सारे के सारे आपके वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने प्रीलिम्स के दो, एक तो जनरल नॉलेज एंड लॉ का पेपर हो गया, एंड अब बात करते हैं मेंस, क्योंकि जो प्रीलिम्स में जो आपके जो सब्जेक्ट जो पेपर होते हैं दो होते हैं, एक तो होता है जनरल नॉलेज का एंड दूसरा होता है आपका लॉ का। तो अब मेंस की बात करें, आप प्रीलिम्स पास कर लोगे तो उसके बाद होता है आपका मेंस का पेपर। तो मेंस में मैं आपको पहले ही बता दूं, मेंस में होते हैं आपके 5 पेपर। तो 5 पेपर कौन कौन से, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि
पहला ही पेपर आपका जनरल नॉलेज का है, इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा एंड 200 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा। एंड ये जो आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपका मेंस में हो जाते हैं, तो इसमें से मैं एक एक सब्जेक्ट बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके पेपर आता है। तो जैसे कि पहला सब्जेक्ट आपका द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन कल्चर, मतलब भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहला। एंड सेकंड आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल एंड इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय आपकी जो वो होती है संविधान एंड करंट नेशनल इशूज एंड इंडियन एंड द लॉ वर्ल्ड, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं आपके एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद आते हैं आपका कम्युनिकेशन एंड स्पेस से क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद आते हैं आपके टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस, पर्सन्स विद डेजिडेशन, सीनियर सिटीजन एंड ऑफेंस ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रंस से आपके क्वेश्चन आते हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद आता है आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद आते हैं आपके साइलेंट फ्यूचर ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबल एक्ट 2016। एंड इसके बाद आते हैं आपके मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स से क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद आते हैं आपके सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 से। एंड इसके बाद आते हैं इन डेट रिलेशनशिप्स ऑफ वुमेन प्रोहिबिटेड एक्ट 1986 से क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 से क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद आते हैं आपके इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड से आते हैं। एंड इसके बाद आते हैं आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। एंड इसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूट एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड स्पेस। ये तो रहे मतलब इंग्लिश में सिलेबस। एंड अगर आपको हिंदी में सिलेबस जानना चाहता है तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 6398304022, वहाँ पर अगर आपको हिंदी में सिलेबस चाहिए तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस वहाँ पर हिंदी में आपको PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारे YouTube चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा एंड कमेंट लिख के उसका स्क्रीनशॉट हमारे YouTube चैनल हमारे जो व्हाट्सअप नंबर उस पर शेयर करना होगा एंड आपको लिखना होगा कि हिंदी में सिलेबस चाहिए आपका यूपी जुडिशरी का, तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर न्यू सिलेबस है। एंड ये तो रही आपके जो फर्स्ट पेपर है। एंड इसके बाद जो होता है सेकंड जो मेंस का जो सेकंड पेपर होता है उसके बारे में बात करते हैं, उसके सिलेबस के बारे में। तो जो सेकंड पेपर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो कौन कौन से मतलब टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो पहला आता है आपको एक एसे लिखना होता है इंग्लिश में, जिसमें आपके 60 मार्क्स का जो एसे आता है। एंड उसके बाद आता है इंग्लिश प्रेसिस राइटिंग, मतलब 60 मार्क्स का ही आपका मतलब प्रेसिस आता है। एंड उसके बाद आता है ट्रांजेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 40 मार्क्स का आता है, मतलब हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांजेस कर दिया जाएगा, एक पैसेज आपको दे दिया होगा उसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, वो आपका 40 मार्क्स का आता है। ऐसे ही आपका इंग्लिश टू हिंदी मतलब ट्रांसलेट करना होता है वो 40 मार्क्स का आता है। तो टोटल मार्केट वो आपको जो क्वेश्चन आता है ये आपका दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का ये 200 का आपका पेपर आता है। तो दो पेपर हो गए एंड अब चलते हम थर्ड पेपर के बाद मेंस के में। तो थर्ड जो पेपर आता है मेंस का वो आता है आपका सब्सटेंस लॉ, मतलब सब्सटेंसटिव लॉ का आता है। इसमें क्या होता है कि आपको सब्सटेंसटिव लॉ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपका टाइम जो ड्यूरेशन पूछा जाता है 3 घंटा का इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलता है एंड 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके किस टाइप के आते हैं, द क्वेश्चन विल बी रिजिड टू बी फील्ड कवर्ड बाय, मतलब जैसे द लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट्स, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप, द लॉ ऑफ कन्विंसिंग एस्टिमेट एंड टॉर्ट्स, द लॉ ऑफ रिलेटेड द ट्रांसफर एंड यू आप जो आपने अपने लॉ मतलब LLB में पढ़ा हो वही वहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके आपके थर्ड जो पेपर है सेंसिटिव लॉ में पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद करते हैं फोर्थ पेपर के बारे में, जो फोर्थ पेपर है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो चौथा पेपर है आपका वो है प्रोसीडर एंड एविडेंस लॉ। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें भी प्रोसीडर एंड एविडेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का मिलता है एंड जो मार्क्स जो मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको 200 मार्क्स के। तो इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके जो पूछे जाते हैं द लॉ ऑफ एविडेंस से पूछे जाते हैं, द क्रिमिनल प्रोसीडर कोड से पूछे जाते हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीडर से पूछे जाते हैं एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लेडिंग से पूछे जाते हैं। अगर आपको इसकी मतलब पूरे में जानना है तो उसकी भी आप पूरी मतलब PDF दे सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। एंड अब बात करते हैं फिफ्थ पेपर के बारे में, मेंस के बारे में। तो इसमें जो फिफ्थ पेपर है जो आपका जो आता है वो आता है
पैनल रिवेन्यू एंड लोकल लॉ, इससे रिलेटेड आपका जो जो पेपर है ये आता है। तो इसमें आपका जो इसमें भी आपके 200 मतलब मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे मतलब 3 आवर ड्यूरेशन इसका टाइम होता है, मतलब आपके 1000 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर आता है। एंड हाँ, तो इसमें जो थर्ड फिफ्थ जो पेपर है इसमें जो कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन पैनल कोड आपके पूछा जाता है एंड द उत्तर प्रदेश जमींदार एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 19, तो मतलब उत्तर प्रदेश यूपी के जो मतलब लैंड है मतलब जमीन है एंड जमींदार से मतलब रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड म्यूनसिपालिटी एक्ट से पूछे जाते हैं आपके एंड बिल्डिंग रेगुलेशन से पूछे जाते हैं एंड रेंट एंड एविडेंस से पूछे जाते हैं, यूपी पंचायत राज एक्ट से पूछे जाते हैं एंड यूपी कॉन्सुलर ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 से पूछे जाते हैं एंड उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 1973 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो रही आपकी मेंस में, आपको मैंने प्रीलिम्स का बता दिया, मेंस का सिलेबस बता दिया एंड अब बात करते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का जो आता है आपका इंटरव्यू आता है, तो उसमें क्या पूछा जाता है आपको कैरेक्टर में जो देखा जाता है आप किस तरह के मतलब पर्सनलिटी है आपकी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन शो माइंड लीडरशिप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, इंटेलिजेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैलेंस ऑफ जजमेंट पूछे जाते हैं, नॉलेज ऑफ लॉ पूछे जाते हैं कि आपको लॉ मतलब कानून के बारे में कितनी जानकारी है। ये तो रही जुडिशरी का पूरा सिलेबस, मैंने आपको प्रीलिम्स का भी बता दिया, आपको मैंने मेंस का भी बता दिया, आपको इंटरव्यू भी बता दिया। तो आपका 100 मार्क का आपका आता है इंटरव्यू एंड मेंस में आपके 1000 पूछा जाता है एंड उसमें पूछा था फिल्म्स में। तो अब बात करते हैं आपके लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। तो आपको जो आप अगर आपको जनरल नॉलेज की मतलब तैयारी करनी है तो इसके लिए आपको लूसेंट की बुक बहुत अच्छी रहेगी, जो आपकी विनय कराना की आती है, डॉक्टर विनय कराना एंड आरपी सुमन की भी आती है एंड एक आती है मनोरंजन ईयर बुक 2020 एंड एक आती है आपके हाई, अगर आपको इंग्लिश कवर करनी है तो आप हाई स्कूल जो जनरल ग्रामर है उसमें से कवर कर सकते हैं। आपको कंपटीशन की जो बुक होती है जैसे कि आपके क्रिस्टोफर फोनेस हो गई एंड अजय वर्मा की होगी, मतलब किसी भी मतलब एक ब्लैक बुक होगी, तो वहाँ से आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप अपने जुडिशरी के लिए एंड ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए आपको एसपी बक्सी की बेस्ट बुक रहेगी एंड सामान्य हिंदी के लिए जो आपको बुक चाहिए वो डॉक्टर पृथ्वी निधि पांडे की बढ़िया रहेगी एंड इंडियन पैनल कोड को भी आपकी जो रतनलाल, तो इंडियन पैनल कोड के लिए आप बेसिकली मोटी बुक ना लें, कुछ छोटी सी कंपटीशन रिलेटेड बुक ही ले लें एंड आपको इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट के लिए आर के भंगा की ले लें एंड ऑफ टॉर्ट्स के लिए भी आर के भंगा की ले लें एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीडर के लिए सी के टैक्सन की ले लें। तो ये तो आपकी जो बुक्स हैं वे हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब यूपी जुडिशरी से रिलेटेड एंड इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा एक इस पर मतलब क्लास बनाना चाहता हूँ अभी, मैंने भी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली है। तो अब मैं मतलब पूरा मतलब एक यूपी जुडिशरी रिलेटेड एक पूरा कोर्स भी बनाना चाह रहा हूँ एंड अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मतलब अपने इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी पर प्रोवाइड करता रहूँगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं इसमें समाप्त करते हैं, अगर आपको अभी सिलेबस समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट PDF भी हमसे ले सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर बता दिया 6398304022, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप हिंदी में भी आपको मतलब यूपी जुडिशरी की भी मतलब सिलेबस मिल जाएगा, इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में आपको ये सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे की कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना होगा, तो आपको ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी मतलब चाहते हैं। अगर आप LLB की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड कौन कौन लॉ रिलेटेड वीडियो मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहता है मतलब, तो उससे मैं रिलेटेड और भी मतलब वीडियो बना दूंगा, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूँ, उस वीडियो की टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।